हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट डिस्कशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्पस ऑफ फीड वाटर हीटिंग। बॉयलर के अंदर फीड वाटर भेजने से पहले हम उसको हीट करते हैं, उसकी वजह क्या है और कितने टाइप के फीड वाटर हीटर होते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, उसके लिए हम एक डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है पर्पस ऑफ फीड वाटर हीटिंग को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के नाम से ही पता चल गया होगा कि फीड वाटर हीटिंग मतलब कि बॉयलर के अंदर पानी को भेजने से पहले यानी फीड वाटर को भेजने से पहले हीट किया जाता है, वो क्यों किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, एक पॉइंट मैंने दे रखा फर्स्ट पॉइंट, उसमें यही चीज इसके बारे में डिफाइन किए हैं कि वाटर इज प्री हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर इन द फीड वाटर हीटर्स बिफोर इट एंटर्स टू बॉयलर। मतलब कि फीड वाटर को बॉयलर में एंटर करने से पहले हम लोग एक हीटर के अंदर क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, प्री हीट करते हैं। और ये प्री हीट करने की वजह से क्या इफेक्ट होता है, फर्स्ट इफेक्ट तो ये होता है कि हमारे वाटर का जो टेम्परेचर है यानी फीड वाटर का जो टेम्परेचर है, फीड वाटर का टेम्परेचर वो राइज करेगा। जब पहले ही हमारा फीड वाटर टेम्परेचर राइज करेगा तो बॉयलर के अंदर कम हीट में हम उसको स्टीम जनरेट कर सकते हैं। पहला प्रॉफिट ये हुआ जिसकी वजह से हमारा एफिशिएंसी बॉयलर का बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि बाय दिस प्रोसेस मतलब कि प्री हीट करने के से क्या फायदा होता है, द स्केल फॉर्मिंग डिजॉल्व साल्ट्स प्रेसिपेट फ्रॉम द फीड वाटर एंड डिपोजिट इन द हीटर्स। क्या बोल रहे हैं कि पानी के अंदर हम लोग जानते हैं कि साल्ट्स प्रेजेंट होता है, अगर इम्प्यूरिटीज साल्ट के फॉर्म में पानी के अंदर प्रेजेंट होगा तो हमको प्री हीट करने की वजह से क्या होगा, वो प्रेसिपेट हो जाएगा। मतलब कि वाटर से जो साल्ट है वो अलग हो जाएंगे और अलग होने के बाद जो हीटर का ट्यूब्स है या हीटर पे जाके वो क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसा करने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो इम्प्यूरिटीज है वो ऑलरेडी हीटर के पास सेपरेट हो जाता है, प्रेसिपिट हो जाता है। तो हमारा बॉयलर में जाने का उसका चांसेस बहुत कम होता है, यानी बॉयलर ट्यूब पे वो प्रेसिपिट नहीं होगा तो वहां पे स्केलिंग नहीं होगा, कॉरोजन नहीं होगा, ये सब चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जितने भी साल्ट हैं वो यही ट्यूब पे प्रेसिपिट हो जाएंगे और उसको हम लोग कम कॉस्ट में उसका एलिमिनेट कर सकते हैं, सफाई करवा के उसका स्केल जो भी है वो रिमूव करवा सकते हैं। तो हमारा दूसरा प्रॉफिट क्या हुआ कि जितने भी स्केल फॉर्मिंग साल्ट है जैसे कैल्शियम का सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड या आपका कार्बोनेट, यानी दो टाइप का हार्ड साल्ट होता है ना, स्केल फॉर्मिंग साल्ट दो टाइप का साल्ट होते हैं, एक टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो साल्ट रहते हैं वो लोट वो क्या करते हैं कि जो स्केल बनाता है वो सॉफ्ट स्केल बनाता है। बाकी जो सल्फेट या नाइट्रेट वगैरह जितने भी हैं वो सब चीज़ क्या करते हैं, हार्ड स्केल बनाते हैं। तो ये जितने भी हैं स्केल फॉर्मिंग डिजॉल्व साल्ट वो क्या होगा, प्रेसिपिट होके और ट्यूब पे जाके डिपॉजिट होगा जो कि बॉयलर के अंदर जाने की जाने से पहले ही यहाँ पे सेपरेट हो जाता है। तो ये एक फायदा होता है। और क्या होगा कि एंड ऑल्सो रिमूव्स द डिजॉल्व O2 एंड CO2 गैसेस विच कॉरोड द बॉयलर मटेरियल्स। और पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या कोई भी गैस है उसको भी हम लोग ये फीड वाटर हीटिंग पर्पस में क्या करते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, वो चीज़ रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉयलर का मटेरियल कॉरोड नहीं होता है। कॉरोजन का जो प्रॉब्लम मैंने कॉरोजन में बात किया था कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के चलते कॉरोजन होता है, तो जब यह चीज़ हमारा ये इसके अंदर रिमूव कर देंगे तो हमारा ये क्या होगा, कॉरोजन नहीं होगा। तो फीड वाटर हीटर जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन फीड वाटर हीटर और सेकंड क्या होता है, क्लोज्ड फीड वाटर हीटर।
ओपन टाइप हीटर का मतलब होता है फीड वाटर हीटर, यानी डायरेक्ट फीड वाटर हीटर। मतलब उसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमारा वाटर और स्टीम जिसको एक्सचेंज करना है वो डायरेक्ट मीट करेगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखे होंगे डिएरेटर, जैसे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, यहां से हमारा आ रहा है वाटर इन कर रहा है, ठीक है, वहां यहां से वाटर हमारे इन करके इस हेडर के अंदर आएगा और यहां पे लगे रहते हैं नोजल। नोजल के थ्रू हमारा पानी क्या होगा नीचे गिरेगा और यहां से क्या होता है हमारा स्टीम जो है वो इन करता है, स्टीम इन करेगा और ये क्या होगा इस टाइप के ऊपर यहां पे होल्स बने रहते हैं, इस होल्स के थ्रू ऊपर जाएंगे तो क्या हुआ यहां पे स्टीम और वाटर दोनों क्या हुआ एक दूसरे से मैच किया, मिल गया, मिक्स होके वो क्या किया हीट का एक्सचेंज किया। जो हमारा वाटर आ रहा है वाटर के अंदर जो इंप्योरिटीज है जो भी डिजॉल्व गैसेस है वो क्या होगा रिमूव हो जाएगा और यहां पे लगा हुआ है एक वेंट, वेंट के थ्रू क्या होगा हमारा जो भी गैसेस है वो रिमूव होगा, यानी हमारे इसके अंदर क्या किया जो गैसियस इंप्योरिटीज है वो रिमूव कर दिया। और यह प्रोसेस क्या होता है एक लो टेम्परेचर पे प्रोसेस होता है, तो यहां पे लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है जो हार्डनेस जो होता है सॉफ्ट हार्डनेस स्केल मटेरियल स्केल फॉर्मिंग डिजॉल्व साल्ट जो होते हैं वो क्या होंगे यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, यानी जितने भी कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है जो कि सॉफ्ट हार्डनेस बनाता है वो चीज यहाँ पे क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बोनेट होता है जो कार्बोनेट होता है वो ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे यही सोचेंगे कि हमारा जो परमानेंट जो टेम्पोररी हार्डनेस का जो डिजॉल्व साल्ट है वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गया। तो यहाँ पे क्या फायदा हुआ एक तो हमारा डिजॉल्व गैस रिमूव हो गया और जो साल्ट है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और तो हमारा क्या बचा प्योर वाटर, यह वाटर हमारा यहाँ पे प्योर यहाँ पे जब स्टॉक होके हम लोग यहाँ पे स्टॉक कर लेंगे। इसके बारे में हम लोग अभी डिएरेटर नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से डिटेल से बात करेंगे। तो यह हम ओपन फीड वाटर हीटिंग का एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश किए हैं। अब देख लीजिए क्लोज वाटर क्लोज फीड वाटर हीटर में क्या होता है, क्लोज जैसे नाम से ही पता चला क्लोज, यानी इसके अंदर जैसे हमारा डायरेक्ट वाटर और स्टीम का कॉन्टेक्ट होता था हीट एक्सचेंज करने के लिए वैसा इसके अंदर नहीं होता है, इसके अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है या एक दूसरे से डायरेक्ट मैच नहीं करता है बट हीट का ट्रांसफर कर लेता है, वो कैसे देखते हैं। देखिए यहां पे मैंने डायग्राम बना रखा है कि वाटर इन यानी पानी हमारा यहां से इन कर रहा है और इन करके क्या करेगा इस ट्यूब के अंदर ये क्या करेगा यहां तक इसके अंदर फ्लो करेगा, फ्लो करने के बाद यह क्या करेगा देखिए यहां से ऐसे फ्लो करने के बाद फिर यह क्या करेगा इस ट्यूब के अंदर एंटर करेगा और एंटर करने के बाद यहां से क्या होगा एग्जिट हो जाएंगे और फिर यह हमारा क्या हो जाएगा आउटलेट, यहां पे कोल्ड वाटर आया यहां पे हॉट वाटर हो जाएगा, कैसे स्टीम यहां से इन किया और स्टीम तुम्हारे ट्यूब के ऊपर हमारा क्या है स्टीम रहेगा, स्टीम इस पे स्टीम का मैंने दिखा रखा है ट्यूब के ऊपर क्या है स्टीम और स्टीम यहां से क्या होगा वाटर कोल्ड है स्टीम हॉट है तो दोनों का हीट का एक्सचेंज होगा, इनसाइड रहेगा वाटर आउटसाइड रहेगा स्टीम, तो स्टीम का टेम्परेचर क्या होगा वहां पे डाउन होगा और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अगर हमारा वाटर के अंदर यहां पे हायर टेम्परेचर पे अगर गर्म कर रहे हैं तो हायर टेम्परेचर पे क्या होता है परमानेंट हार्डनेस वाले जो साल्ट फॉर्मिंग होता है जैसे सल्फेट क्लोराइड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम का जो होता है वो चीज क्या होगा इसके अंदर, हम लोग को पता है कि जब भी पानी को गर्म करेंगे तो जो साल्ट होते हैं डिजॉल्व साल्ट होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो वो इसके अंदर प्रेसिपिटेट होके और ये ट्यूब पे क्या करेंगे डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी एक स्केलिंग बना देंगे यहाँ पे, या स्केल यहां बनाने की वजह फायदेमंद होता है कि बॉयलर ट्यूब के अंदर बनाए। तो हम लोग क्या करते हैं पहले ही हम लोग क्या किए उसका जो स्केल फॉर्मिंग साल्ट है उसको हम लोग यहीं पर ट्रैप कर लिए, तो ये हमारा फायदा है ये सब चीज लगाने से। और दूसरा क्या हुआ टेम्परेचर राइज के यहाँ पे स्टीम दिए यहाँ पे कंडेंसेट हमको मिल गया, तो यह चीज हुआ हमारा फीड वाटर पर्पस ऑफ फीड वाटर हीटिंग। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको पूरा बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि फीड वाटर का हीटिंग पहले क्यों किया जाता है, एक तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और दूसरा जो हमारा डिजॉल्व
साल्ट है या डिजोल्व गैसेस है उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो थैंक यू, अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।